गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू टुडेस ब्लॉग। और आज की शुरुआत फिर से पार्क में होगी। और आज कल के ब्लॉग का फायदा ये हुआ है कि आज ब्लॉग देख के दो लोग मोटिवेट हो गए दो लोग आज पार्क में आए एक्सरसाइज करने के लिए। एक तो ये है हमारी ममता, जो बचपन से जिम करती आई पर आज तक पतली नहीं हो पाई बेचारी। काफी मेहनत कर रही है। ये देखो डेडिकेशन लेवल इसमें तक। रौनक तुम भी कुछ कर लो। जस्ट नाउ मैं इनकी तारीफ कर रहा था। ये देखो इनका वर्कआउट सेशन। बैठ के गपियार हैं ये लोग यहाँ। तो ये यार देखिए यहाँ पे घमासान युद्ध शुरू होता हुआ दो लोगों के बीच में। पुशअप का चैलेंज स्टार्ट। ओहो काफी सेक्सी प्रदर्शन। जमीन की चुम्मी लेके वापस आ रहे हैं पीकेपी। बहुत ही प्यार से नजाकत से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। इसमें भाग मिल्खा भाग वाली वो टोन डाल दूंगा नीचे, है ना, ऑडियो में। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। ट्रेनर के साथ ममता काफी मेहनत। माय गुडनेस पहले दिन का जोश है ये। कल बोली बहुत दर्द होगा मेरे। ये डेडिकेशन है उन लोगों के लिए जो लोग सुबह सुबह सो रहे हैं अपने घर में। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह के बज गए हैं 5 और मैं निकल गया हूँ। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं आज साइकिलिंग करने के लिए भोपाल में फॉर अ चेंज। तो आज हम साइकिलिंग करेंगे और आपको दिखाऊंगा आज भोपाल के नज़ारे अपने साइकिल पर बैठ के। और ये हैं आज यहाँ के हमारे कंपेनियन फॉर द डे राजेश और पल्लवी। हम लोग आज जाएंगे साइकिलिंग करने के लिए गाड़ी से। तो ये देखो हमारी साइकिल स्टैंड, यहाँ हमारी 4 साइकिलें खड़ी हैं पर एक भी किसी काम की नहीं है। ये देखो पंचर साइकिलें रख रखी हैं यहाँ पे लोगों ने, सारी साइकिलें पंचर हैं यहाँ पे। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ, कैसे बनेगा ऐसे फिट इंडिया। सिक्योरिटी पर्पस के लिए दो दो कुत्ते भी हैं यहाँ पे, 3 हैं एक्चुअली। बेहतरीन फिट। चलो रेडी टू रोल। ये रही मेरी साइकिल, इसमें मैं जाऊंगा। चार्टर्ड साइकिल इनिशिएटिव मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। और साइकिल चला के आज बहुत टाइम बाद, काफी टाइम बाद साइकिल चलाने के बाद बहुत ही सही सा लग रहा है, मजेदार है बिल्कुल। ये पीछे हमारा राजेश भाई, इन्हीं का आइडिया था साइकिल लेके आने का। और ये साइकिल का क्या क्या ट्रेंड चल रहा है ना, तो साइकिल चलाने का जो ट्रेंड चल रहा है बस उसको फॉलो कर रहे हैं। एक दिन का जोश है अगले दिन से खत्म, बस इतनी सी कहानी है। और राजेश जी कैमरामैन के साथ, प्रियांशु रंजन, प्रियांशु सिंह ब्लॉग्स, थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ये देखो पहुंच गए हम अपर लेक। ये देखो लेक, बहुत ही शानदार लेक यहाँ भोपाल का, फेमस अपर लेक। और ये है नजारे। और ये जो बराबर में दिख रही है जो इस पर ग्रेफ्टी हो रखी है वॉल, ये है सीएम हाउस यहाँ का। नहीं रहते मुख्यमंत्री हमारे, किसी काम के नहीं है वैसे तो, यहाँ तो मुख्यमंत्री का कहें। और ये देखो यहाँ पे कुछ नया सा लेक दिखता हुआ कहीं से आया है, ये पता नहीं कहाँ से झरना आ रहा है और नदी इसके पानी नाले में जा रही है। सी द सेवियर्स आर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इंसान को ज़्यादा जल्दी रहती है तो मालूम क्या होता है, जल्दी जल्दी में नीचे आने का नतीजा क्या हुआ दिखाऊं? सी हाइब्रिड चप्पल है मेरी, पर मैंने कहा अब तो आ गया हूँ तो अब क्या ही नीचे जाऊँ, अब मैं यही पहन के शॉप तक जाऊँगा। आईपीएल शुरू हो गया हमारे यहाँ पे और आज है सैटरडे और आज माहौल बना है बहुत तगड़ा यहाँ पे। राजेश के यहाँ पे आज हम मैच देखने आए। ये हमारे गैंग मेंबर रोशन यादव, ओपनर बल्लेबाज, और यहाँ पे राजेश रोशन। जब ट्रेंड खत्म हो गया तब इन्हें दालगोना कॉफी की याद आई है और आज यहाँ पे बहुत ही सेक्सी दालगोना कॉफी बनती हुई। ओहो काफी लजीज दिखता हुआ ये, पर बिल्कुल टट्टी बनता है, कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे आईपीएल चलता हुआ, धोनी की बैटिंग का वेट कर रहे हैं हम। जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो बहुत काबिल तारीफ थी। मैंने कहा 160 तो रन बने 162, आगे डालने का जो है ये कह रहे थे बनेंगे 180, ये थे 200। बैटिंग सेंस काफी अच्छा मेरे में,
क्या लगता है रोशन तुमको अभी इस मैच का क्या परिणाम होगा? चेन्नई सुपर किंग जीतेगी लग रहा है। तो ये देखो जो कॉफी हमारी फेंट दी गई है, अब हम इसको एक ट्रिक करके दिखाएंगे आपको, बताएंगे कितना अच्छा बीट हुआ है। रोशन पलट के दिखा इसको, ये देखिए आप, पलटने के बाद भी नहीं गिरता है ये। काफी ही सेक्सी कॉफी बीट करी है राजेश ने, बहुत ही शानदार। कितने प्यार से बना रहे हैं रोशन, देखो कितने अच्छे से आपने हाथ चला रहा है। ओ हो, कलाकार आदमी तो है भाई हमारा। तो जैसा कि रोशन ने प्रिडिक्ट किया था कि सीएसके जीतेगी, तो सीएसके जीत गई। सो या क्रिकेटिंग सेंस उसकी भी अच्छी है, तो मैंने भी रन अच्छा प्रिडिक्ट किया था वो भी, तो कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोल रहा था कि व्लॉग्स थोड़ा सा रैंडम सा है ये, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो इस वाले व्लॉग में, बाकी आगे मैं अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा। और प्रॉब्लम ये है ना कि अभी थोड़ा दूसरे कामों में ज़्यादा उलझ गया था, तो इसलिए व्लॉग्स आ नहीं पा रहे रेगुलर इंटरवल पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अभी से रेगुलर व्लॉग्स आएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।